बलरामपुर बिनोहनी गांव के निकट तुलसीपुर रोड पर स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर चल रहे ओवरलोड को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि भले ही जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए टीम गठित कर रखी है, लेकिन ओवरलोडिंग थम नहीं रही है। ओवरलोड वाहन चालक सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान का मखौल उड़ा रहे हैं, वहीं बालू लदे वाहन सड़कों को छलनी करने में नहीं चूक रहे हैं। जनपद श्रावस्ती के पहाड़ी नाले के घाटों में ट्रकों पर मानक से अधिक बालू लादकर अधिकतर वाहन सिरसिया होते हुए तुलसीपुर निकलते हैं। ट्रकों में बाड़ी से ऊपर तक बालू लदी साफ देखी जा सकती है, जिससे बिनोहनी चौधरी डीह मणिपुर बरदौलिया के बीच में रोड पूरी तरह टूटकर धस गई है। इसके बारे में क्षेत्रीय लोग इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज करा चुके हैं, बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क गड्ढे में तब्दील होती जा रही है, जिससे बारिश के दिनों में इस मार्ग से निकलना मुहाल हो जाता है। शुक्रवार शाम उदयपुर मजगवा निवासिनी 32 वर्षीय सीता देवी पत्नी रामचंद्र अर्जुन के साथ बाइक से अपनी 8 माह की बच्ची माही का इलाज कराने भिनगा श्रावस्ती गई थी। रात लगभग 9:30 पर वापस आते समय सिरसिया तुलसीपुर मार्ग पर बिनूहनी बाजार में सड़क के गड्ढे में उछलकर गिरने से वह गंभीर रूप से चोटिल हो गई। ये रोड है चौरीडी से, ये जो हाईवे रोड है तुलसीपुर का गया है, चिल्चा से तुलसीपुर, इसमें ये रोड दब गया है। क्या हो गया, आए दिन यहाँ पे लोग गिर जाते हैं, कई घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। अभी कल परसों घटनाएं घटी है, यही हुई रात में भी यहाँ पे एक लोग गिरी है, एक औरत भी गिर गई थी, इससे पहले भी 2-3 लोग गिर चुके हैं, इसमें चोटिल हो चुके हैं। अच्छा, इसको लेकर के आपने कहीं लिखित वगैरह दिया है? भैया सूचना तो गया है, लोग बताए हैं। अच्छा, फिर कुछ कार्रवाई हुआ? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको सही किया जाए, ताकि आए दिन लोग जो घटना घटती है सही बचे लोग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।